लेकिन दोस्तों आज हमारे पास आल्टो AGS आई है, उसका जो हम ब्रेक वगैरह फिक्स करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसी फिटिंग हो रही है। यहाँ पर कैमरामैन को बोलूँगा अच्छे तरीके फोकस करके आपको फिटिंग करते हुए दिखा दे। भाई आप हम इसकी फिटिंग की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्योंकि ब्रेक शूज जो थे पुराने वाले वो बिल्कुल जो है आवाज़ कर रहे थे, वो एंड हो चुके थे यहाँ पर, और साथ साथ जो है यहाँ पर जो हमने ये ब्रेक शूज जो है ना नए लेके आ गए, नए इसमें लगाएंगे, तो अच्छी कंपनी के हैं ब्रेक पैड ब्रेक शू और फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर अभी यहाँ पर फिटिंग मार रहे हैं इसकी, इंशाल्लाह आपको यहाँ फिटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पर अभी इसकी हैंग ब्रेक की पट्टी बिठा दी हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हैंग ब्रेक केबल इसमें लगा दी है। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको जो है हम यहाँ पर जो है इसकी कील पट्टी लगाएंगे, इसको फिक्स करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर फिक्स हो गई, अब जो है ना इसकी जो है सेटिंग, जो है सेटिंग भी फिक्स करेंगे। ये सेटिंग का स्प्रिंग है और इसको हम सबसे पहले जो है स्प्रिंग को यहाँ पर लगाएंगे, इधर एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है इसको पट्टी को यहाँ लेके आएंगे, लाने के बाद जो है ये ब्रेक शू में वहाँ फिक्स हो जाएगी। ये यहाँ पर जो है फिक्स हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं स्प्रिंग की तरफ, ब्रेक शू दूसरा बढ़ाते हैं अभी। अब ये ब्रेक शू है नया दूसरा वाला, पहला इसका स्प्रिंग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर राइट साइड पे, और दूसरा जो है लगेगा लेफ्ट साइड पे, स्प्रिंग बैठेगा इसका। दूसरा हमने यहाँ पर बिठाया, अब हमने चलना सेटिंग के अंदर बिठाना है इसको। अब यहाँ पर जो है हमने पट्टी बढ़ा दी है इसमें, अब इसको जो है नीचे से ये सेटिंग भी इसमें आ गई है। अब नीचे वाला स्प्रिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना ये हैंग ब्रेक की केबल की तरफ जाएगी। आपको इसका पूरा सिस्टम बता रहा हूँ इसके अंदर, और नीचे जो है नीचे भी स्टैम पे हमने जो है ना स्प्रिंग बढ़ा दिया। अभी ऊपर इसको एडजस्टमेंट खींचेंगे, खींचने के बाद जो है अब इसके अंदर कील पट्टी लगेगी। कील पट्टी लगाने के बाद फिर ड्राम बिठाएंगे इसका, यहाँ पर जो हमने ब्रेक शू वगैरह फिक्स कर दिए, अब इंशाल्लाह ड्रम बिठाते हैं, पैक करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है अब ये ड्रम की फिटिंग बिठाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सेटिंग की जरूरत है इसको चढ़ाना या बिठाना। अभी सेटिंग बजी तो और डाउन होगी इसको, क्योंकि अभी सेटिंग डाउन होगी तो ये ड्रम बैठेगा। ये देखें बिल्कुल सेटिंग डाउन हुई है, ड्रम जाके बैठ गया इसके अंदर, फिक्स हो गया। अब इंशाल्लाह ये यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को ब्रेक वगैरह दिखा दिए, ठीक है। और फिर चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, इंशाल्लाह आपको वहाँ कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये लेफ्ट साइड का हिस्सा था, और राइट साइड की तरफ चलेंगे, वहाँ आपको इंशाल्लाह फिटिंग करके दिखाएंगे, राइट साइड का भी आपको कंप्लीट करके।
चलन जी, ये रेड साइड के ब्रेक शू हैं, इस साइड पे आपको ये दिखा दिए पुराने वाले, और यहाँ पर जो ये रेड साइड ब्रेक शू हैं पूरे, और ये बिल्कुल जो है ना आपने देख लिया है, और सारी चीज़ें जो है ना अभी ब्रेक शू वगैरह यहाँ पर नए लगाएंगे, नए लगा के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं यहाँ की फिटिंग कैसी है। यहाँ पर ये रेड साइड के ब्रेक शू वगैरह लगा दिए हमने, यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है, और ये बिल्कुल रेड साइड की फिटिंग है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, पुराने वाले ब्रेक शू दिखा दिए थे आपको सारी चीज़ें, इंशाल्लाह बाकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को बताते हैं गाड़ी में क्या रिस्पॉन्स आया। चलिए जी, यहाँ पर जो है ना ब्रेक शू वगैरह हमने इसके अंदर फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें कम्प्लीट करके आपको दिखा दिए थे, ब्रेक शू वगैरह कैसे फिक्स करने थे वो हमने कर दिए यहाँ पर। और नाजिर भाई के चैनल को लाइक करें, बेल घंटी दबाएं, आने वाली अपडेट आनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो यार दोस्तों को सेंड करिएगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नाजिर भाई को जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।